नमस्ते। आज 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, देश भर के कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आज नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से देश के सभी जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है और साथ साथ 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के कार्यकर्ताओं के साथ भी मुझे बात करने का अवसर मिला है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करने के पीछे का एक और रहस्य है कि मैंने गत सप्ताह जब यहाँ सांसदों की मीटिंग की थी, दफ्तर में, पार्टी दफ्तर में सब आए थे, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि 3 लाख से ज़्यादा जिस एमपी के ट्विटर फॉलोअर होंगे, मैं उस एमपी के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बात जरूर करूंगा। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे एमपी 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर वाले एमपी बन गए हैं। उसमें से आज 5 एमपी के साथ मुझे बात करने का मौका मिला है। दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, बिहार से हैं, तो अलग अलग स्थान के ये हमारे सांसद महोदय हैं, उनसे मुझे बात करने का मौका मिला है। आप सबको मालूम है कि मुंबई में जब भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ, और उस हालत में हुआ था जब हिंदुस्तान की राजनीतिक दलों ने गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को अस्पृश्य घोषित कर दिया था, अछूत घोषित कर दिया था, और एक प्रकार से जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को निकाल फेंका था। राजनीति में अस्पृश्यता का यह बहुत बड़ा उदाहरण था। जो अस्पृश्यता में मानते थे वो कहां खड़े हैं, और जिन्होंने हमें अस्पृश्य बना दिया वो आज कहां खड़े हैं, 38 साल के कालखंड ने सिद्ध कर दिया है। आज जो भारतीय जनता पार्टी शून्य से शिखर पर पहुंची है, उसके मूल में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे कार्यकर्ता मिटते रहे, खपते रहे, घर परिवार शक्ति समय खपाते रहे। अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और आज हिंदुस्तान में चारों तरफ खिला हुआ कमल देश को विकास की नई आशा पैदा कर रहा है। एक समय था हम संघर्ष में जुटे हुए थे, आज वक्त है हम समाधान में जुटे हुए हैं। हम संघर्ष कर रहे थे जन सामान्य की समस्याओं को लेकर के, आज हम समाधान खोज रहे हैं जन सामान्य की समस्याओं का निपटारे के लिए। संघर्ष से समाधान तक की हमारी यात्रा पूर्ण समर्पण की यात्रा है, और ये पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के बल पर चली है, कार्यकर्ताओं की शक्ति पर चली है, संगठन की शक्ति पर चली है। हिंदुस्तान में सच्चे अर्थ में लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में अगर 50-100 पैरामीटर देख करके जांच पड़ताल की जाए, निष्पक्ष लोगों से जांच पड़ताल की जाए, तो मैं विश्वास से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विकास यात्रा, भारतीय जनता पार्टी की सभी प्रकार की विचार प्रक्रियाएं, निर्णय प्रक्रियाएं, सबको साथ लेकर के चलने की भारतीय जनता पार्टी की पेशकश, ये उस बात को सिद्ध करेगी कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। यहां परिवारवाद नहीं है, यहां जातिवाद नहीं है, मेरा पराया नहीं है, सबको साथ लेकर के चलने की एक परंपरा है। और यही तो, और अगर दल में लोकतंत्र नहीं है तो देश के लोकतंत्र प्रति ऐसे लोगों की भावना क्या होगी, इसका हम भलीभांति अंदाज लगा सकते हैं। और इसलिए लोकतंत्र के प्रति पूर्ण समर्पण, देश हित के लिए पूर्ण समर्पण,
और महात्मा गांधी ने कहा था, आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की जिंदगी को कैसे हम बदल सके, उसको दुखों से कैसे दूर कर सके, उस पर बल देना। और आपने देखा होगा जिस समय दिल्ली में आप सबने परिश्रम से इतना बड़ा विजय हासिल करवाया, और जब एनडीए के सांसदों ने मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना, तो उस दिन मेरा भाषण था कि ये सरकार गरीबों को समर्पित है। और आपने चार साल के कार्यकाल में देखा है, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो चाहे हमारी राज्य सरकार हो, हम सामान्य मानवी की जिंदगी बदलना चाहते हैं। हम आर्थिक विकास के फल दूर सुदूर जंगलों में रहने वालों तक पहुंचना चाहते हैं। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गांव में रहता हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, ये सब ये अनुभव करे कि सरकार उनके लिए जी जान से जुटी है, कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रही है। और उसी का तो परिणाम है कि चाहे टॉयलेट बनाने का सवाल हो या आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट बनाने का सवाल हो, हमारी सरकार पूर्ण सक्रियता से आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के उसूल हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने हम सबको सिखाया है। कमल की छत्र छाया में जल कमलवत जिंदगी जीते हुए हम सब लोग मां भारती की सेवा में लगे हैं। ये पार्टी ऐसे ही नहीं बनी है, जनसंघ से लेकर के आज तक की यात्रा, और पता नहीं हमें कैसे कैसे आरोपों से गढ़ दिया जाता था, मर दिया जाता था। इन दिनों आपने देखा होगा विरोध अधिक तीव्र होता चला जा रहा है, विरोध अधिक उग्र होता जा रहा है, और अभी तो देखा जा रहा है कि विरोध अधिक हिंसक होता जा रहा है। उसका कारण हमने कोई गलती नहीं की है, उसका कारण हमने कुछ बुरा नहीं सोचा है, उसका एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई शक्ति को हमारे विरोधी पचा नहीं पा रहे हैं। ये उनके गले नहीं उतरता है कि गरीब मां का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, उनके गले नहीं उतर सकता है कि पिछड़ी जाति से पैदा हुए लोग भी देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं, उनके गले नहीं उतर सकता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को बनिया ब्राह्मण की पार्टी कहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब अपना पहला राष्ट्रपति चुनने का सौभाग्य मिला तो एक दलित को चुन करके रख दिया, ये उनके गले नहीं उतरता है। उनके गले नहीं उतरता है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के रूप में रहते हुए जब डेप्यूटी स्पीकर पद का अवसर मिला था तो सबसे पहले डेप्यूटी स्पीकर पद पर श्रीमान सूरज भाण जी हरियाणा के हमारे दलित नेता को हमने बनाया था। जब दोबारा हमें अवसर मिला तो हमने हमारे करिया मुंडा जी जो झारखंड के ट्राइबल लीडर है उनको हमने बनाया था। ये सारी बातें जो झूठ फैलाते रहे हैं उनके गले नहीं उतरी है, और उसी का परिणाम है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी कैसे हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी मात्रा में दलित एमपी कैसे हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी मात्रा में एससी एसटी के विधायक कैसे हो सकते हैं, एमपी कैसे हो सकते हैं, ये उनको पच नहीं रहा है। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति हिंसक भाव से विरोध का एक वातावरण बनाया जा रहा है। लेकिन मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं आपसे आग्रह करता हूं, हमें संयम नहीं खोना है, हमने शब्दों की मर्यादाओं को नहीं तोड़ना है, हमें मां भारती के प्रति समर्पित भाव से जन जन के कल्याण के लिए काम करते रहना है, अपने लिए नहीं देशवासियों के लिए जी करके दिखाना है, और इसी भाव को लेकर के चलना है। और 2022 में जब देश आजादी के 75 साल मनाएगा तब न्यू इंडिया के सपनों को साकार करते हुए हम देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत, जातिवाद से मुक्त भारत, संप्रदायवाद से मुक्त भारत, गंदगी से मुक्त भारत, गरीबी से मुक्त भारत, इन सपनों को साकार करने के लिए और पूरी शक्ति के साथ जुड़ेंगे। आज हमारी पार्टी का जन्मदिन है, मैं इस अवसर पर कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं। पार्टी की विकास यात्रा में अनेक लोगों ने अपनी शहादत दी है, मैं उन वीर कार्यकर्ताओं को भी आज प्रणाम करता हूं, मैं उन सारे कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए न कभी पद मिला है, न कभी प्रतिष्ठा मिली है,
न कभी टीवी में दिखाई दिए हैं, न कभी अखबार में चमक पाई है, उसके बाद भी भारत माता की जय का नारा लगाते हुए आज भी गांव गली मोहल्ले में दिन रात काम करते रहते। वही तो कार्यकर्ता हैं जो हमारे पोलिंग बूथ के किले को हमारे हमेशा संभाल के बैठते हैं, वही तो कार्यकर्ता हैं जो हमारे किले पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा कभी झुकने नहीं देते हैं। ऐसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, यही हमारी ताकत है, यही हमारी सपनों को सिद्ध करने के लिए सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है। मैं फिर एक बार कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के इस जन्मदिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया कि कई सारे मेरे साथी अलग अलग स्थान पर से मुझे फोन पर बातचीत भी करना चाहते हैं, मैं जरूर आप सबसे बात करूंगा। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, जो भी कार्यकर्ता आपको जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना सिखाया होगा आप जरूर उसका उपयोग करें और आप बात करें, मैं जरूर आपके साथ बातचीत करने का अपना सौभाग्य मानूंगा। मैं फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अब आपको निमंत्रित करता हूं। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी, मैं प्रवीण शर्मा बोल रहा हूँ जी, हिमाचल प्रदेश से, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष। प्रवीण जी नमस्कार, कैसे हो? ठीक हूँ मोदी जी। हम तो प्रवीण जी को जब भी याद करते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी मूछें याद आती हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। वही वही प्रवीण बोल रहे हो ना? जी हाँ, वही बोल रहा हूँ जी। बताइए मोदी जी, एक तो प्रश्न मन में आ रहा था कि आज बीजेपी हर गांव में, शहर में, राज्यों में सत्ता में है और दिन प्रतिदिन बीजेपी सफलता के नए मुकाम छू रही है। 3-4 दशक पहले जब आप बीजेपी में आए थे तो स्थितियां बिल्कुल अलग थी। इस संदर्भ में आज बीजेपी का कार्यकर्ता होना और तब बीजेपी का कार्यकर्ता होने में क्या फर्क है? पार्टी को सशक्त बनाने और पार्टी के विस्तार के लिए आप हम कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रवीण जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि चलिए मुझे आज बहुत दिनों के बाद फिर से आपसे बात करने का मौका मिल गया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मैं जानता हूं आप एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जब मैं हिमाचल में काम करता था तब मुझे भी आपके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है और हमेशा मैं आपको हंसते हुए देखता था और मुझे हमेशा मैंने देखा कि प्रवीण जी के चेहरे पर मैंने कभी तनाव नहीं देखा। तो एक ऐसे समर्पित संकल्पित कार्यकर्ता को आज चलिए लंबे अरसे के बाद मुझे बात करने का अवसर मिला। आपकी बात सही है, हालात बदले हैं, समाज जीवन में बहुत हालात बदले हैं, लोगों की आशा अपेक्षाएं भी बहुत बड़ी हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में हम 30-40 साल पहले काम करते थे तब हम लोग ज्यादातर पार्टी के विस्तार का प्रयास करते थे। आज हमें जिम्मा लिया है देश के विकास का। पार्टी का विस्तार करने के लिए एक प्रकार की क्षमता की जरूरत होती है, देश के विकास के लिए दूसरे प्रकार की क्षमताओं की आवश्यकता होती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पॉलिटिकल एक्टिविटी के सिवाय डेवलपमेंट के काम के लिए गवर्नेंस के संबंध में अपने आप को बहुत सज्ज करना होता है और मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे जिलों में भी जिनको सेवा करने का मौका मिला है, नगर पालिका में किसी को सेवा करने का अवसर मिला है, पंचायतों में किसी को सेवा करने का अवसर मिला है, पहले वो कार्यकर्ता पार्टी का काम करते थे तब भी उनकी बातों के मुद्दे, उनके सवाल, और आज सेवा करने का मौका मिला है तब के सवाल, उसमें आसमान जमीन का अंतर आया है और उसका हमारे कार्यकर्ता स्वयं का विकास करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए भी अपने आप को सज्ज कर रहे हैं। वो कानूनों को, नियमों को, व्यवस्थाओं को, हमने हमारे रिसोर्सेज को नई नई कल्पनाओं के साथ कर रहे हैं और मैं तो जब देश के कोने कोने में कार्यकर्ताओं की सफलता की बातें सुनता हूं मुझे अचरज होता है कि कल तक सड़कों पर संघर्ष करना, पुलिस की लाठियां खाना,
इसी में जिस कार्यकर्ता ने समय गुजारा था, जब आज सेवा करने का मौका मिला तो उसने अपने आप को ऐसा ढाला है, ऐसा समर्पित किया है, ऐसी ऐसी नई नई इनोवेटिव चीजें दे रहा है, ये अपने आप में एक नया विश्वास पैदा करता है और यही तो हमारी पूंजी है। लेकिन मैं इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए इस पक्ष का, संगठन ने भी कार्यकर्ता ने भी बदलती परिस्थिति के अनुसार अपने आप को सज्ज करना चाहिए। हमें निरंतर नई चीजों को स्वीकार करने की आदत बनानी चाहिए, हमें सर्वसमावेशक बनना चाहिए हर किसी को, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का मंत्र है कि हमें सबकी भलाई के लिए काम करना है, हमारे लिए कोई पराया नहीं हो सकता और इसी भाव को लेकर के काम करना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं फिर एक बार हिमाचल के सभी कार्यकर्ताओं को और देश के कार्यकर्ताओं को भी, हमारे प्रवीण जी से बात करने का मौका मिला, प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेलो, प्रधानमंत्री जी को मेरा नमस्कार। नमस्ते जी, क्या शुभ नाम? ममता कुमारी। ममता जी नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं ममता जी? मुखर्जी नगर और उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र से बोल रही हूँ। मैं आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ कि आज हम जीतते ही जा रहे हैं और जनता के दिलों को भी जीत रहे हैं। विपक्ष बार बार झूठी खबरें फैलाता है, बार बार झूठ पर झूठ बोलता है। सामाजिक समरसता और देश की एकता पर राजनीतिक लाभ के लिए प्रहार किए जा रहे हैं, तो हम कार्यकर्ता जो काम करते हैं हमें बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। तो ऐसे में आप कैसे इतना शांत और संयमित रहते हैं, कृपया बताएं। और जैसे अभी परीक्षा की तैयारियों में जो परेशानी होती है या जो भी तरीके के तनाव होते हैं, उससे निपटने के लिए आपने बहुत सारे सुझाव दिए हैं हमारे स्टूडेंट वॉरियर्स से, तो क्या चुनाव के मद्देनजर हम कार्यकर्ताओं के को भी तनाव से निपटने के लिए आप कुछ सुझाव देंगे, या फिर हमारे लिए भी कुछ इलेक्शन वॉरियर्स जैसे मंत्र कुछ हमारे लिए भी आप देंगे, जिससे हम अपने तनावों के साथ आसानी से काम कर सके और आपकी तरह बिल्कुल संयमित होकर ही अपने रास्ते से आगे बढ़ सके। ममता जी नमस्ते, आपका आपकी बात तो सही है, लेकिन जो आपने कहा कि कभी कभी गुस्सा आता है, मेरी सबसे पहला सुझाव होगा कि गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। देखिए हमारे यहाँ उपनिषद में कहते हैं सत्यमेव जयते नानुतम, अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है, और इसलिए हम जिस रास्ते पर है सबका साथ सबका विकास, ये जो मंत्र हमने स्वीकार किया, आप हैरान होंगे दुनिया के जिस भी देश में मैं गया हूं, उन सभी देश के जब मुखियाओं को मिलता हूं तो वो अपनी अपनी भाषा में सबका साथ सबका विकास का ट्रांसलेशन करके मुझे सुनाते हैं। उनको लगता है कि ऐसा मंत्र है कि इसके बाद कुछ कहने को रहता नहीं है। तो पहली बात है कि हमें गुस्सा करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि संयम से, संयमित भाषा से जितने भी प्रहार होते हैं उसको झेलते हुए हमारे मार्ग पर हमें चले रहना चाहिए। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, उनकी बातों में हमें कभी फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम भी उसमें उलझे, हम भी तनाव पैदा करने में किसी न किसी रूप में कारण बन जाए। हमने किसी भी हालत में उनके इस हथकंडों को मजबूत नहीं होने देना चाहिए, हमने कभी भी उसका हिस्सा सत्य बोलने के उत्साह में भी नहीं होने देना चाहिए। तो पहली बात है तो हमने करना चाहिए। जहां तक एग्जाम वॉरियर की बात की, वो एक अलग विषय है। चुनाव जीतने का बहुत सीधा सीधा मंत्र है, अगर हम पोलिंग बूथ जीतते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने का एक ही मंत्र होता है, पोलिंग बूथ जीतो। पोलिंग बूथ जीतने का तरीका होता है कि पोलिंग बूथ में बहुत ही अच्छी कार्यकर्ताओं की टीम होनी चाहिए, और ये टीम चुनाव जीतने की एक मशीन नहीं होनी चाहिए,
ये जनसंपर्क का सबसे बड़ा हमारी टोली होनी चाहिए, समाज के छोटे से छोटे व्यक्तियों से डेली मिलते जुलते रहना चाहिए, उनके सुख दुख को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की नीति निर्धारण में पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता नीचे से ऊपर की तरफ जानकारी पहुंचाता है और ऊपर से नीचे की तरफ मार्गदर्शन पहुंचाया जाता है और जानकारियों के आधार पर नीतियां बनती हैं, रणनीतियां बनती हैं और मार्गदर्शन के आधार पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। अगर ये चेन परफेक्ट रही तो मैं नहीं मानता हूं कि हमें कभी भी तकलीफ होती है। और आपने सही कहा कि जहां तक विपक्ष का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, दो पहचान बन चुकी है आज देश में राजनीतिक दलों की। एक राजनीतिक दल है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के रूप में काम कर रहा है, गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की पहचान है जीत पर जीत, जीत पर जीत। और कांग्रेस के नेतृत्व में बने हुए किसी भी प्रकार से मोदी को हटाओ, किसी भी प्रकार से कुर्सी छीनो, इस काम में लगे हुए लोगों का पहचान है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और इसलिए एक तरफ जीत पर जीत, जीत पर जीत, तो सामने है झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और इसलिए हमारा काम है जीतते चले जाना। और अटल जी ने कहा था कमल खिलेगा कमल खिलाते जाना, यही मूल मंत्र लेकर के चले। हमारे संगठन में भी समाज के सभी स्तर के लोग होने चाहिए। पोलिंग बूथ में भी कोई सब्जी की लॉरी चलाने वाला व्यक्ति है वो भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होना चाहिए। गांव का पढ़ा लिखा इंसान भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होना चाहिए। गरीब से गरीब निर्धन व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होना चाहिए। ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। तो पार्टी सर्वसमावेशक हो, सर्वदूर हो, सार्वदेशिक हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। ममता जी, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते जी। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते, मैं रेशमा चौगले, युवा मोर्चा अध्यक्ष, चांदीवली विधानसभा, मुंबई से बात कर रही हूँ। जी बताइए रेशमा जी। मोदी जी, जब आप भाजपा का संगठन का कार्य करते थे तो आप उस समय भी टेक्नोलॉजी पर काफी जोर देते थे, टेक्नोलॉजी का काफी उपयोग किया करते थे। आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं और आपकी नजर में आज के दौर में टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का क्या महत्व है सर जी? रेशमा जी, आप तो बड़े शहर से कार्यकर्ता है तो टेक्नोलॉजी का महत्व तो भली भांति अब जानते हैं। वैसे अब जीवन का हिस्सा ही टेक्नोलॉजी के बिना संभव नहीं लग रहा है। अगर हम घरों में एलईडी बल्ब लगाते हैं वो भी एक टेक्नोलॉजी का ही आविष्कार है जो गरीब से गरीब व्यक्ति को या मध्यम वर्ग के परिवार के बिजली के बिल को कम करता है। तो ऐसी वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका अधिकतम उपयोग सामान्य मानवी करे, जिसके कारण उसकी जिंदगी आसान हो, उसका खर्चा कम हो, ये हमने आदत डालनी चाहिए। जैसे बीम ऐप बना है, ये बीम ऐप हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डाउनलोड करवाएं, गरीब से गरीब व्यक्ति को, छोटे छोटे दुकानदार को बीम ऐप से अपना व्यापार धंधा करना सिखा दें। आपने देखा होगा कि नई पीढ़ी के जो नौजवान है वो जेब में पैसे ही नहीं रखते, कार्ड नहीं रखते, वो अपने मोबाइल फोन से ही हर चीज करते हैं। ये काम सामान्य परिवारों में भी जाना चाहिए, सिर्फ पढ़े लिखे आधुनिक नौजवान ही वो करे ऐसा नहीं, क्योंकि ये इतना सरल है, सेफ है, ये हम आदत डालनी चाहिए। और एक बार सामान्य व्यक्ति को पता चल जाएगा कि मेरे हाथ में जो मोबाइल फोन है वो मोबाइल फोन सिर्फ किसी की बात सुनने और सुन करने के लिए नहीं है, मैं उसके द्वारा पूरी सरकार को मेरी हथेली में ला सकता हूं। एक बार
गवर्नेंस मेरे पाम पर है, सरकार मेरे हाथों में है, ये सामान्य मानवीय का अगर विश्वास पैदा करवा देते हैं तो बहुत बड़ी सेवा होगी। तो टेक्नोलॉजी का मेरी दृष्टि से उपयोग सामान्य मानवीय के सशक्तिकरण के लिए होना चाहिए, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल होना चाहिए। दूसरी बात है, आज टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और आउटरीच के लिए बहुत ताकत का स्पूल है हमारे पास। ये टूल को हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, हमने प्रयास करना चाहिए। कम्युनिकेशन बड़ी आसानी से करने का सबसे सरल, आज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप व्हाट्सएप के माध्यम से एक खबर दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हम सक्रिय नहीं रहेंगे तो जो गंद फैलाने वाले लोग हैं, झूठ फैलाने वाले लोग हैं, अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, वो उसकी जगह कब्जा कर लेंगे। तब चाणक्य कहा करते थे कि समाज की समस्या का मूल कारण दुर्जनों से जितना है उससे ज्यादा सज्जनों की निष्क्रियता से है। मैं मानता हूं आज सोशल मीडिया के जमाने में, कम्युनिकेशन के इस जमाने में अगर हम निष्क्रिय रहेंगे तो जो देश विरोधी, समाज विरोधी, स्वार्थी, गलत रास्ते पर जाने वाले तत्व है, वे उस जगह को भर लेंगे। तब हमारा ये राष्ट्रीय कर्तव्य बन जाता है कि हम ऐसी स्पेस न छोड़े ताकि गलत लोगों के हाथ में चला जाए। ये भी बहुत बड़ी सेवा है देश की। सही चीज, सच्ची चीज, समाज का भला करने वाली चीज, समाज को जोड़ने वाली चीज, इन चीजों को कम्युनिकेट करना। दूसरा, सरकार जो काम कर रही है वो सरकार के प्रचार के लोगों को बताना ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सरकार के निर्णय लोगों को इसलिए पता चलना चाहिए कि सामान्य मानवी उसका फायदा उठाए। अगर उसको ज्ञान ही नहीं है, जानकारी नहीं है, सरकार के निर्णयों का पता नहीं है, तो वो फायदा नहीं ले पाएगा। और जो बिचौलिए हैं वो उसको गुमराह कर करके उससे कुछ ना कुछ रुपये मार लेंगे। मान लीजिए विधवा पेंशन है, मान लीजिए ओल्ड एज पेंशन है, मान लीजिए विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति है, सामान्य मानवी को मनरेगा का लाभ मिलने वाला है, ऐसी जितनी सामान्य मानव की योजना है अगर उसको पता ही नहीं है। अब आप देखिए भारत सरकार ने एक जेम पोर्टल बनाया है, GEM। ये पोर्टल ऐसा है, और मैं तो कहता हूं कि आप मुंबई में है, आप इतना काम इस जेम पर कर सकते हैं कि जो छोटी छोटी चीजें बनाने वाले, घरों में बनाने वाले गरीब लोग, जो कभी वेस्ट पेपर मानो बास्केट बनाते हैं, अब उनको मालूम नहीं कि बेचेंगे कहां, तो कोई बिचौला आता है खरीद लेता है। अब ये जेम पोर्टल ऐसा है कि गरीब व्यक्ति इस पर रजिस्ट्रेशन करवा दे, और सरकार को अगर 50 वेस्ट पेपर बास्केट की जरूरत है वो लिख करके दे दे कि भाई मैं बांस से बना के दे देता हूं, ये मेरी डिजाइन है, मेरी कीमत है। सरकार ने ऐसी योजना बनाई कि गरीब से गरीब व्यक्ति से खरीद सकता है। अब ये टेक्नोलॉजी की ताकत है, हम इस बात को पहुंचा सकते हैं। तो बीम ऑप हो, जेम हो, ऐसी कई योजना है जिसको, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी ऐप पर इतनी सारी सरकार की योजनाएं हैं, इंफोग्राफिक्स हैं, झूठ फैला रहे हैं तो उसका जवाब है। हमारा काम है डेली लाखों लोगों को ये पहुंचना चाहिए, उनके मोबाइल फोन पर जाना चाहिए। आप देखिए सही बात पहुंचेगी तो गलत चीजें बाहर हो जाएगी। लेकिन पहले कहते थे कि जो रुपया होता है, करेंसी होती है, अगर वो इनवैलिड करेंसी है वो कभी कभी इतनी घुस जाती है कि वैलिड करेंसी को बाहर कर देती है। ये कम्युनिकेशन भी ऐसा ही है, अगर झूठ घुस गया तो सत्य बाहर हो जाएगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए सत्य लगातार पहुंचे, कन्विंसिंग पहुंचे। नरेंद्र मोदी ऐप पर आपको ये सारी चीजें मिलती हैं और उसको पहुंचाते रहना चाहिए। और दूसरी बात है आउटरीच, इतनी चीजें हमारे पास है, सामान्य मानवी तक पहुंचाएंगे तो उसको सशक्तिकरण हो जाएगा, उसको कानून का पता चलेगा, नियम का पता चलेगा। कोई भी व्यक्ति सरकार में भी उसको परेशान करता हो तो कह सकता है नहीं नहीं मेरी जानकारी है, ऐसा नियम है, आप मुझे दे दो, मेरा हक बनता है, उसको मिलेगा। और इसलिए मैं चाहूंगा कि अब जैसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको वय वंदना योजना का लाभ मिलता है, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको एनरोल कर सकते हैं। अब गरीब व्यक्ति है उसको दवाई लेने जाना है, जन औषधि केंद्र बना है उसको मालूम ही नहीं है,
अगर हमने गरीब के हाथ में भी मोबाइल होता है उस पर अगर पहुंचा दिया कि देखिए अस्पताल जाते हो जन औषधि केंद्र है वहां पर 100 रुपये की दवा 20 रुपये में मिलती है और वही दवाई मिलती है, ये बड़ी दुकान में जाकर के आप रुपयों को खर्च करते हो, उसका कितना बड़ा फायदा होगा। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, लोगों को फायदा पहुंचाएं, कम्युनिकेशन करने के लिए आज के टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करें, सामान्य मानवी को एम्पावरमेंट के लिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा काम कर सकती है, ये लोकतंत्र का भी एक हथियार बन सकती है, लेकिन हथियार सच्चे हाथों में होना चाहिए, सच्चे काम के लिए होना चाहिए, सच्ची बात के लिए होना चाहिए, और ये काम करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए वैसा ही काम है जैसा कि हम देश सेवा के मूलभूत कामों में मानते हैं, सच्ची बात पहुंचाना ये भी देश सेवा का काम है। मैं आपका बहुत आभारी हूं, धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, मैं भी बहुत खुश हूँ आज आपने एक सामान्य कार्यकर्ता से हमारी बात हुई, हम बहुत लकी हैं कि हमारे पीएम एक सामान्य कार्यकर्ता से बात करते हैं। थैंक यू रेशमा जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते, मैं युवराज भास्कर बोल रहा हूँ सर। जी बताइए युवराज जी। अध्यक्ष युवा मोर्चा सर, मेरा प्रश्न ये है कि अभी 4 साल में देश में सामान्य व्यक्ति के जीवन में काफी बदलाव आया है, मगर सर हम चाहते हैं कि आपके आपके मार्गदर्शन में हम लोग कैसे कार्य करें कि और अच्छी प्रगति हो। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम संगठन में काम करते हैं तो हमारे काम भी हमको याद नहीं होते हैं, तो मैं तो कभी कभी कहता हूं पहले के जमाने में अंताक्षरी रम खेलते थे लोग, हमने भी अपने इलाके में महीने में एक बार कम से कम कार्यकर्ताओं की टोली को बिठा करके पक्ष और विपक्ष बना करके दो गुट ग्रुप करने चाहिए, जैसे अंताक्षरी के दो ग्रुप होते थे, और उसमें सरकारी योजनाओं को कौन सबसे ज्यादा कह सकता है ग्रुप, सरकारी योजनाओं को कौन सबसे ज्यादा समझा सकता है, ये बार बार स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हम सालों से विपक्ष रहने के कारण हमें समस्याओं को तो ध्यान रहता है लेकिन समाधान जो खोजे हैं उस पर ध्यान नहीं रहता है। तो पहली आदत बनानी चाहिए सरकार की योजनाओं का बार बार स्मरण करना, अध्ययन करना, योजना पाने का रास्ता क्या होता है, योजना पहुंचाने का तरीका क्या होता है, ये हमने इवॉल्व करना चाहिए। और मैंने देखा है कि अपने बहुत से कार्यकर्ता हैं लोगों के घर घर जाकर के खुद ढूंढ करके मिल करके और उनकी समस्याओं को समझ करके फिर खोजते रहते हैं कि सरकार की कौन सी योजना से इसका भला हो सकता है, और फिर वो लग जाते हैं उसको मदद कर देते हैं। तो पहला तो काम है कि योजनाओं को समझना, योजनाओं को जानना। मैं भी यही जानना चाह रहा हूँ कि योजना को कैसे हम हर घर तक हर व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं। वही मैंने कहा कि पहले अपने कार्यकर्ता खुद बैठ करके चर्चा करें कि भई ये वय वंदना योजना नाम सुना क्या है, तो किसी ने रिसर्च करना चाहिए, सब कुछ नरेंद्र मोदी ऐप पर है, सरकार की वेबसाइट पर है, कैसे मिलता है वो भी है। अंदर अंदर कार्यकर्ताओं ने पहले चर्चा करनी चाहिए, और फिर जिस व्यक्ति को हम जानते हैं कि भाई इनकी उम्र इतने से ज्यादा है उनको मिलना चाहिए। अगर एक बार हम इस प्रकार से जुड़ेंगे सामान्य, अब जैसे आप देखिए 90 पैसे में इंश्योरेंस निकलता है, अब ये इंश्योरेंस हम किसी भी परिवार का निकलवा दें, उसके घर चले जाकर के कर दें, आपने कल्पना की है कि उसके परिवार में कोई आपत्ति आई तो 2 लाख रुपया उसको पहुंच जाता है, कभी किसी ने सोचा होता? अगर ये हम करें, अब जैसे गरीब है प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उस गरीब को आप देखते हैं कि आवास नहीं है, आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उस गरीब का नाम लेकर के आप सरकारी दफ्तर में चिट्ठी लिखे, अपने एमएलए एमपी से मिलकर के चिट्ठी लिखवाएं, आप थोड़ा प्रयास करें। ये ठीक है कि सरकार के अपना काम करने का तौर तरीका रहा है, 70 साल में उसकी आदतें बनी हुई है, उसे संघर्ष करके काम नहीं चलता है, उसके साथ जुड़ करके गरीब का भला करने के लिए काम करे।
और हम उसका घर बनवा दें, आप मुझे बताइए कितना जीवन में संतोष होगा। और मुझे खुशी है कि पिछले कई वर्षों में जितने आवास नहीं बने हैं, ये पिछले 48 महीनों में हम बनाने में सफल हुए। शौचालय आपने कल्पना की है कि जब हमारी सरकार बनी तब 30-35% ही घर ऐसे थे जहां पर स्वच्छता की व्यवस्था थी, आज वो आंक 80 पर पहुंचा है। अभी भी 20 बाकी है, क्या हम इसको कर सकते हैं? आपको मालूम है सौभाग्य योजना मुफ्त में एक भी रुपया का खर्चे लिए बिना गरीब के घर में बिजली देने का कार्यक्रम है सौभाग्य योजना। और हमारा इरादा है कि महात्मा गांधी के 150वें के हम मनाते हैं, तो उसके पहले हिंदुस्तान के हर गरीब से गरीब घर के अंदर बिजली का लट्टू लगना चाहिए। मुफ्त में हो रहा है, योजना आपको बता दी। अब आपको घर पता होना चाहिए कि किस घर में बिजली नहीं है, किस घर में सौभाग्य योजना लागू की जाती है, आप पहुंचा सकते हैं। उज्ज्वला योजना, आपके गांव में उज्ज्वला योजना के लिए गैस कनेक्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। आप देखिए कि कोई उसमें बिचौलिया गरीब आदमी से 50-100 रुपया मांग तो नहीं रहा है। गरीब आदमी को भी लगता है चलो भाई मुफ्त में आ रहा है दे दो 100 रुपया, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा है। तो आप एक सतर्कता भी कर सकते हैं। तो मैं नहीं मानता हूं कि मुश्किल काम है, हमारा ध्यान होना चाहिए कि सरकार और जनता के बीच हम एक ऐसी कड़ी बने, एक ऐसा ब्रिज बने ताकि सरकार के लाभ सामान्य मानवी तक पहुंचे, कहीं बिचौलियों के पास। अब आपने देखिए आधार के साथ हमारी योजनाओं को जहां जहां जोड़ा है, देश ने करीब करीब 80,000 करोड़ रुपया बचाया है। 80,000 करोड़ रुपया सामान्य नहीं है, ये पहले किसी के लोगों के हाथ में जाता था। अब हमने योजना, लाभार्थी, सरकार और टेक्नोलॉजी, इन चारों को जोड़ दिया। टेक्नोलॉजी आ गई, आधार का आइडेंटिफिकेशन आ गया, तो जो लोग गलत लोग फायदा उठाने के रुपये मार लेते थे वो सब बंद हो गया, 80,000 करोड़ रुपया बच गया। तो कितने गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाने में वो पैसा काम आएगा। और इसलिए आपसे मेरा आग्रह है, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हम पहले भारत सरकार की सामान्य मानवी के लिए योजनाएं क्या है, अगर आपको कोई खड़ा करके पूछे तो 100 योजनाएं बिना रुके आपको बोलना आना चाहिए। एक बार इतना कर लो, अपने आप सामने कोई व्यक्ति मिलेगा तो आप उसको बता सकोगे अरे अरे भाई तेरे लिए तो ये योजना है, चलो आओ मैं तुम्हें मदद करता। पहले आप योजनाओं को समझे, आप योजनाओं को याद करें, योजनाओं के लाभार्थी कौन है उसको याद करिए। अगर आपने सीख लिया तो समाज तक पहुंचने में कभी देर नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्कार सर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ कौन बोल रहे हैं? मैं रवि ठाकुर बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली जिला अध्यक्ष। रवि जी नमस्कार। बहुत बहुत आवाज आ रही है, कोई आप बड़ी भीड़ भाड़ के बीच में खड़े हैं ऐसा लग रहा है। हाँ पूछिए पूछिए। सर मोदी जी हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो हमारे लिए दल से बढ़कर देश है। जब विजन थी। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ मैं सुन रहा हूँ भैया। मेरे सर तुम्हारे रिपीट कर रहा हूँ, मोदी जी हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता है और हमारे लिए दल से बढ़कर देश है। जब आपने न्यू इंडिया के विजन, मैं रवि तवर बोल रहा हूँ। हाँ रवि मुझे सुनाई दे रहा है, आप आगे बढ़े बढ़िए ना, दल से बड़ा देश है आपने कहा। देखिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता का योगदान ही है जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है। ये आप ही सबका परिश्रम है, आप ही सबकी मेहनत है जिसके कारण सामान्य मानवीय की समस्याओं का समाधान करने में हम लोग सफल हो रहे हैं। अब देखिए आप यहाँ जहाँ पर आप अभी
ये आपके यहाँ जो हमारे मीनाक्षी लेखी के भी बता रही थी कि ये जो आपका लक्ष्मी बाई नगर कम्युनिटी सेंटर है वहां पर आप लोगों ने जो वेस्ट से वेल्थ की ओर एक जो काम किया है, सारी ग्रीन वेस्ट डाल करके आप उसमें से गैस निकालते हैं और एक वर्किंग वीमेन हॉस्टल को वहां मुफ्त में वो गैस सप्लाई करते हैं। देखिए एक चीज वैसे छोटी दिखती है लेकिन हमारे सांसद मीनाक्षी के प्रयत्नों के कारण और आप सबके कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों के कारण या हमारे वहां के आपके अध्यक्ष हैं श्रीमान अनिल शर्मा जी हैं या हमारे भारत भूषण जी हैं, इन सब ने मिलकर के जो मेहनत की उसका परिणाम है कि एक योजना आज और जगह पर इस प्रकार का काम करने की प्रेरणा बन सकता है। अब जैसे आप लोग हेल्थ कैंप लगाते हैं, गरीबों को आंख का जांच करवाना, उनको चश्मे दिलवाना, ये जो सारे आप काम कर रहे हैं इससे सामान्य मानवी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। और मैंने अभी आगे एक कार्यकर्ता से फोन पे बात करते हुए मैंने कहा था कि जो सामान्य मानवी के लिए जो योजना है उसमें हमने ज्यादा रुचि लेनी चाहिए क्योंकि गरीब आदमी सरकार तक कभी कभी पहुंच ही नहीं पाता है और वो तो मान के चलता है कि ईश्वर ने मुझे ये जिंदगी दी है मैं ऐसे ही पूरी करूंगा, हमने उसको ऐसे ही जीने के लिए मजबूर नहीं करना है, हमें उसका हाथ पकड़ना है, उसको ले जाना है। और मैं मानता हूं कि ये हम सब कर सकते हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, मैंने कितना मेहनत करते हैं। अब हमारे आप ही के क्षेत्र में अंगूरी देवी जी इतनी बड़ी आयु में भी घर में कोई बीमार हो तकलीफ हो लेकिन शायद ही पार्टी का कोई कार्यक्रम होगा जो अंगूरी देवी जी ने छोड़ा हो। ये मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरा निवास स्थान आप ही के पार्लियामेंट्री क्षेत्र में है तो मुझे मालूम है कि कैसे आप लोग मेहनत करते हैं और आप ही की ये मेहनत है जिसके कारण पार्टी इतना काम कर रही है। लेकिन अब फोकस करें सामान्य मानवी के सुख दुख के साथ जुड़ना, उनकी मुसीबतों में काम आना और अगर नेक निष्ठा के साथ कोई भी स्वार्थ के बिना हम ये करना शुरू करेंगे आप देखिए बदलाव शुरू हो जाएगा और मैंने देखा है कि हमारे कार्यकर्ता ये कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का, देशभर के जिला अध्यक्षों का बहुत बहुत धन्यवाद। 6 अप्रैल के आपने भी अपने बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, मुझे विश्वास है कि हम एक नए उत्साह नए उमंग के साथ, जैसे व्यक्ति के जीवन में जन्मदिन के बाद कोई संकल्प लेते हैं वैसे हम भी न्यू इंडिया का संकल्प लेते हुए सारे विरोधों को पार करते हुए सारे झूठ को बेनकाब करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ समर्पण भाव के साथ मां भारती की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपना भी विकास करें, दल का भी विस्तार करें और जन सामान्य समस्याओं का समाधान करें, इसी एक संकल्प के साथ आगे बढ़े। मेरी तरफ से आप सब कार्यकर्ताओं को फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।